पंजाब नेशनल बैंक घोटाले में आरोपी मेहुल चौकसी को लेकर एक बड़ी खबर आई है। दरअसल एंटीगुआ के प्रधानमंत्री गेस्टन ब्राउन ने एक बड़ा बयान दिया है। गेस्टन ब्राउन ने मेहुल चौकसी को धोखेबाज करार दिया है और उन्होंने कहा है कि भारतीय जांच एजेंसियां एंटीगुआ आकर मेहुल चौकसी से पूछताछ के लिए स्वतंत्र है, तो मेहुल चौकसी को वापस अपने देश जाना ही होगा। पीएम ब्राउन ने बताया है कि मेहुल चौकसी की वजह से कैसे उनके सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम को नुकसान पहुंचा है। मेहुल चौकसी ने एंटीगुआ के इसी प्रोग्राम का इस्तेमाल करते हुए एंटीगुआ की नागरिकता ली थी। दरअसल पीएनबी घोटाले के तहत नीरव मोदी और मेहुल चौकसी पर 13,000 करोड़ रुपए के गबन का आरोप है और इसी मामले को लेकर फरार चल रहे मेहुल चौकसी को लेकर ये बड़ी खबर सामने आई है, जहां भारत लगातार मेहुल चौकसी के प्रत्यर्पण को लेकर कोशिश कर रहा है। तो इसी बीच एंटीगुआ के प्रधानमंत्री का बयान यहां पर सामने आया है और मेहुल चौकसी को धोखेबाज उन्होंने करार दिया है और इसी को लेकर ये जानकारी भी उन्होंने दी है कि अब भारतीय जो एजेंसियां हैं वो स्वतंत्र हैं कि मेहुल चौकसी से वो पूछताछ कर पाए, यानी कि संभावनाएं बहुत ज्यादा हो गई हैं कि जल्द से जल्द अब मेहुल चौकसी को भारत लाया जा सकता है।